तो दोस्तों इधर मैं बनाने जा रही हूँ पाउडर, और पाउडर किस किस चीज़ का वो दिखाती हूँ। तो ये पाउडर जो है, पहले बता देते हैं आप लोगों को, ये पेट के लिए ठीक रहता है जिसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, और वेट लॉस में भी काफ़ी काम आता है। काफ़ी बार जैसे बॉडी अपना पानी स्टोर करके रख लेती है तो जो स्वेलिंग सी हो जाती है वो भी इससे कम होती है। दूसरा जो है शुगर के लिए भी, डायबिटीज़ वालों के लिए भी सही है ये। सो सारी चीज़ें अपनी किचन से ही ली है मैंने। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये है मेथी दाना जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए। और ये है काला नमक पिसा हुआ, मेरे पास दूसरा भी था बट दूसरा जो है डला था तो मुझे लगा कि पिसा हुआ ही ले लेती हूँ। और मैं दिखा देती हूँ आपको ये वाला ब्लैक सॉल्ट पाउडर। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, ये है जीरा और ये है सौंफ। तो दोस्तों ये है सौंफ और ये है अजवाइन। अजवाइन मेरी थोड़ी बारीक वाली थी तो मैंने वो ले लिया साफ़ करके। और ये है, सबको नहीं पता होगा पर बहुत से लोगों को पता रहता है, हरड़ बोलते हैं हम इसे। इस ये है हरड़ का पाउडर, मैंने पहले ही भून के उन्हें हल्के से घी में और ठंडा करके, ज़्यादा नहीं भुनना होता है, और पीस लिया। और इसमें थोड़ा सा, इसमें भी मैंने नमक मिला के रखा है, काला नमक थोड़े क्वांटिटी में। ओके जी, तो ये हो गया है। और ये है हींग, और इसमें हम लोग करी पत्ता भी ऐड कर सकते थे, वो धो के सुखा के छाँव में और इसके साथ पीस लेंगे। तो वो फ़िलहाल नहीं है बट उसका मैं पाउडर बना के इसके साथ फिर से मिक्स कर दूँगी, अलग से रख लूँगी। तो जब भी मैं लूँगी या कुलदीप, तो दोस्तों इसका पाउडर मैं भी लेती हूँ, कुलदीप को भी देती हूँ, कभी कभार बच्चों को भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो भी प्रेग्नेंट लेडी वगैरह हैं और जिन्हें प्रेगनेंसी चाहिए तो वो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि इसमें हीट होती है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम क्वान्टिटी में ले लो, बट जितनी भी चीज़ें हैं गर्म पानी के साथ लेंगे हम, और जब भी हम लेंगे तो मैं तब भी आप लोगों को बताती रहूँगी और कि कैसे लिया है। और जो है ना ले, वही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हीट बॉडी में देता है ये सारी चीज़ें। ठंड के टाइम ले तो और अच्छा है, बट कभी भी ले लो तो भी अच्छा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरी जो दादी सास हैं वो हमेशा ये हरड़, काला नमक और ये हींग और मेथी, साबुत दाने हमेशा शाम को सोते टाइम, मैंने इतने टाइम हो गया मेरी शादी को, हमेशा मैंने उनको देखा है कि वो हमेशा जो है इसकी फाका मारते हैं, हाथ पे रखेंगी, पानी लेंगी और डालेंगी। उन्हें जरूरत नहीं है कि कुछ और करें, मतलब सबको एक साथ नहीं लेती है, इसमें नमक मिला के इस तरीके से रखती हैं। तो एक दिन ये ले ली, फिर सुबह या दोपहर ये ले ली ऐसे ना, और हींग ले लिया, तो उनको डाइजेशन वर्क का अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो बिल्कुल फिट है। तो चलिए अभी बना लेते हैं। कुछ और आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अभी कर लेते हैं गैस ऑन, कर लीजिए गैस ऑन। और इधर ले लिए मैंने भारी तले की कढ़ाई, और इसको कर दे हैं मीडियम फ्लेम में, क्योंकि इनको ना जस्ट हल्का सा रोस्ट करना है और चलाना नहीं है। तो एक एक करके मैं डाल देती हूँ सारी चीज़ें, तो एक एक करके इसमें ये चीज़ें सारी डाल देते हैं, हाथ से ही डाल देते हैं। चलिए पहले डाल देते हैं जीरा, तो ये चीज़ें सारी डाल दी है हमने, और जो हमारा नमक बचा है और ये ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, और हींग ये डालेंगे हम जब पीसेंगे इस पाउडर को तब। तो दोस्तों सभी को इस तरीके से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे, और ना जलाना है ना काला करना है, और एक एक करके भूनोगे तो भी अच्छा है, बट मैं एक साथ ही कर लेती हूँ। मुझे इनकी सब की खुशबू स्मेल बहुत पसंद है,
इसका जो भी मतलब थोड़ा सा लगे ना कि भाई ज़्यादा भूनेंगे तो ऐसा होगा, नहीं होगा, नहीं, इसको हल्का सा ही रोस्ट करना। और मेरी गैस आप देखो है ना नीचे बिल्कुल ही स्लो है, तो ये ना बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ वाले भी लेते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और ये जो पता है ना बीपी हाई लोगों के लिए भी अच्छा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह से, और सभी में जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो अपना देखे, और बाकी तो सारी चीज़ों का बेनिफिट आप लोगों को पता ही है कि भाई जो है सारी चीज़ें अपनी किचन से ली है, और जो किचन से लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आयुर्वेदिक हैं, अपना देसी नुस्खा जिसे बोलते हैं। तो आप जो है ये इस तरीके से पूरा भून लीजिए, हो गया है ऑलमोस्ट। इसकी खुशबू जो उभर के आ रही है ना मस्त वाली, और ध्यान रखिएगा कि भारी तले की ही कढ़ाई वगैरह ले, क्योंकि उसमें ना जलता नहीं है। अगर मैं ये वाली कढ़ाई ले लेती इस तरीके की, या फिर ऐसा पैन ले लेती, तो इसमें क्या छींटे भी आते और जो है ये ऐसे हो जाता, पूरा जल जाती है। और एक चीज़ हम लास्ट में भी डालेंगे, तो ये देखिए इस तरीके से एकदम रोस्ट हो गई है। और अभी हम भूनेंगे फ्लैक्स सीड्स, क्योंकि वो चटकती उसको अच्छे से लास्ट में भूनेंगे। मैंने प्लेट में भी नहीं रखा क्योंकि मैं भूल भी गई थी, मैं सोच रही थी क्या है क्या है क्या है। सो अभी हम उसको भूनेंगे। तो ये लीजिए आ गई हमारी फ्लैक्स सीड्स, और इनको अभी लास्ट में करेंगे, इनको निकाल लेते हैं। गैस मैंने कर दी थी अपनी ऑफ, तो अभी निकाल देंगे इस तरीके से, किस तरीके से या थोड़ा सा इसकी ज़्यादा क्वांटिटी भी कर सकते हैं, तो ये भी उतना ही बेनिफिट है जितना इन चीज़ों का है। और आप मतलब ये इसमें जरूर ऐड करना, मैं प्लेट में रखना भूल गई हूँ, सॉरी उसके लिए, बट ये है इसके अंदर। और आप ये लीजिए, और करी पत्ता मैंने एक बनाया है, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। देखना अभी डालते से कढ़ाई में ऑन करूँगी तो चटकने लगेगी, तो इसको लास्ट में या फर्स्ट में ही भून लेना अलग से। तो मैंने इतना और ले लिया है, ये देखिए इतना और मैंने ले लिया है, ये अपने फ्लैक्स सीड्स से, देखिए नहीं बताया तो ये देखिए। तो चलिए ये भी डाल देते हैं हम लोग, अपना गैस की फ्लेम कर लेते हैं ऑन, और बिल्कुल स्लो पे, घाई नहीं करना है, जितना स्लो पे करोगे उतना अच्छा बनेगा ये पाउडर। क्योंकि अगर इसको हम ज़्यादा भून डालेंगे तो जो भी इसके पोषक तत्व हैं वो भी चले जाएंगे, जो बोलते हैं ना प्रॉपर्टी सारी निकल जाएगी, तो हमें वो नहीं करना है। हमें ये हल्की गैस करके ही भूनना है, और भार ध्यान रखना भारी तले की कढ़ाई वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से तवे पे अगर ये करेंगे ना तो पूरा उचट जाएगा, वो सारी चीज़ें नहीं बट ये आएगा। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि ये कैसे चटकेगा, जैसे तिल नहीं भूनते हम लोग वैसे ही चटकना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप तो इस तरीके से हम इसे भून लेंगे, ये ना आप जो है फ्लैक्स सीड जो है आप भून के भी रखेंगे ना, तो जब आप डिनर लंच जो भी करते उसके बाद लेंगे तो बेनिफिट ये है कि वेट लॉस करता है। और जो है आप इसको लोगे, दूसरा ये है कि आप जो है माउथ एकदम फ्रेश हो जाता है, और बड़ा ही यम्मी सा टेस्ट आता है। हल्के से भुने रहते हैं ना, रोस्ट करके रख लेते हैं, तो आप एक बॉक्स में ठंडा करके, बॉक्स में ऐसे कांच के जार में कोई भी घर में पड़ा है, मैं तो ये कॉफ़ी का पड़ा था तो इसमें डाल लेती हूँ। ऐसे मैंने पाउडर फॉर्म में जो ये पूरा बना के रखा हुआ है, और दूसरा एक और जार मैंने रेडी कर रखा है। तो ये देखिए मैं आपको बोल रही थी ना, ये ऐसे ऊपर ऊपर जंप करेंगी, और आवाज़ आपको आ रही है, ये देखिए ऐसे चटकना एकदम स्टार्ट हो गई है। बस अब हम गैस अपनी ऑफ कर देंगे, आप लोगों को दिखाना था, बीच में कॉल आ गया था, सो मुझे लगा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। बस अभी बंद कर दिया है, फटाफट हम लोग निकाल भी लेंगे, और देखना इसका थोड़ा सा भुनने के बाद ये साइज़ बड़ा हो जाता है, जैसे तिल नहीं होते वैसे अलग से ही दिखता है कि हाँ भुन चुका है। और इसको ना इस तरीके से कोई भी, मैं आपको दिखा रही थी कि ऐसे कोई भी जार में ठंडा होने के बाद डाल सकते हैं। और ये जो है मेरे बच्चे कुचे, जैसे ये न्यूट्रेला का है, कॉफ़ी का है, तो मैं वही यूज़ कर लेती हूँ, लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अपने पास मिल जाती हैं।
निकाल लेती हूँ और ये वाली प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से सारे निकाल लेंगे बिना गिराए हुए। इसके साथ ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, तो ये सारी चीजें अपनी सामग्री जो है बन के रेडी हो गई है भुन के। अब ये इनका बनाएंगे पाउडर। जैसे ये इस तरीके से मैंने दिखाया था, फिर से दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए कितना बारीक करके रख देंगे और बस इसको ठंडा होने देते हैं, फिर पाउडर जब बनता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ जी, ये जो है अजवाइन, जीरा, सौंफ और जो है मेथी दाना और ये हरड़, ये काला नमक, ये फ्लैक्स सीड्स उनके ले लिए सारे हल्के हल्के रोस्ट करके। ये देखिए, और अभी जो है मैं इनको पीसूँगी हल्के से, और गर्म है लेकिन गर्म नहीं करेंगे इसको, तो इसीलिए मैंने ये रखा हुआ है और मैंने बना दिया अभी ये। अभी मैं इसका बनाऊँगी पाउडर। तो दोस्तों इधर जो है पाउडर बनाएंगे अभी हम लोग, और ये हमारा मिश्रण जो है ठंडा होके रेडी हो गया है। और अभी इस जार में डालेंगे, इसमें मैंने जीरा भुना हुआ पीसा हुआ है। इधर हमारा चूर्ण जो रेडी, ये देखिए कितना मस्त वाला पाउडर, एकदम महीन पीस लिया है मैंने बारीक वाला। और ये मैंने दो लोगों के लिए किया है, ये दो लोगों के लिए है। और इसमें जो है बिल्कुल बारीक पीसना है, सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी थी। और ये मैं कभी कभी अपने बच्चों को भी दे देती हूँ, उससे बच्चों का पेट वेट, और बहुत ही कम क्वांटिटी में एक्चुअली मैं देती हूँ इतना सा पाउडर, और जो है उनके पेट के लिए भी अच्छा है। तो चलिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना इसी के साथ, और मिलती हूँ फिर न्यू वीडियो के साथ। और बताना आप लोगों को कैसा लगा ये नुस्खा, और बेनिफिट आप लोगों को सबको पता ही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट तो बिल्कुल नहीं। बाय बाय।